कल का जो करंट अफेयर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि केरला बीट्स वेस्ट बंगाल टू विन द संतोष ट्रॉफी, तो मैं उसका ईयर लिखना भूल गया था। तो 2022 का जो जीता है वो केरला ने जीता है संतोष ट्रॉफी, और 2023 का जो जीता है अभी वाला लेटेस्ट वो जीता है कर्नाटका ने। आप इसको प्लीज़ चेंज कर लेना। वेलकम टू डेली करंट अफेयर, टुडे इज 14th of April 2023। द क्वेश्चन इज संजीवनी प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय, दैट इज़ ए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, संजीवनी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है गाय से रिलेटेड, और जो लाइव स्टॉक्स हैं, लाइव स्टॉक मतलब कि जो पशु होते हैं, ठीक है, वो वाले पशु जिनको हम घरों में पालते हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं से रिलेटेड है जिसका नाम है संजीवनी प्रोजेक्ट। अब होता क्या है, अभी आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश क्या है, एक पहाड़ी राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घरों घरों में अपने लाइव स्टॉक्स होते हैं लोगों के पास। ठीक है, अपनी भेड़ बकरियाँ या फिर गाय, ठीक है, इस तरह के लाइव स्टॉक्स होते हैं। अब पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अगर किसी तरह की गाय वगैरह बीमार हो जाए, ठीक है, उनको वायरस वगैरह भी पता है, वायरस भी आया था लंपी वायरस, ठीक है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो जाए तो जो यहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इन पशुओं को यहाँ से लेके जाना एनिमल हस्बेंड्री तक, ताकि उनका इलाज किया जा सके। ठीक है, तो इस दुविधा को देखते हुए वहाँ की सरकार ने क्या किया है, संजीवनी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इसने लॉन्च किया है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम मोबाइल वेटनरी वैन, इसका प्रोजेक्ट का नाम है। ये लॉन्च किया है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, किसके साथ मिलकर, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड BFIL के साथ मिलके। ठीक है, इसका नाम है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम मोबाइल वेटनरी वैन प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसको हम शॉर्टली बोलते हैं संजीवनी प्रोजेक्ट। तो ये लॉन्च किसने किया है, ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में। इसमें क्या होगा, जो सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, वो गांव में घर रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, उसकी गाय या कोई भी पशु जो है वो बीमार पड़ जाता है, वो क्या करेगा, एक कॉल करेगा एक टोल फ्री नंबर पर। ठीक है, एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, उस टोल फ्री नंबर पर ये कॉल करेंगे। ठीक है, और एक मोबाइल वैन, ठीक है, एक वैन आएगी। ठीक है, मतलब कि वैन में हमारे पास वेटनरी फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स वगैरह होंगे, वो आएंगे उसके घर तक। ठीक है, वहाँ पे उस पशु को देखेंगे, उसका इलाज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया है, टू सपोर्ट द स्मॉल डेयरी फार्मर्स एंड कैटल रेयरर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट कॉल्ड संजीवनी ऑन April 9। ठीक है, तो ये सारा पता चल गया आपको कि फ़ोन करके हम बुलाएंगे एक वैन को, वैन के अंदर कौन कौन होंगे, वेटनरी फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स जो कि इन कैटल्स को देखेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, और कैपिटल इज समर शिमला, और विंटर कौन सी है, धर्मशाला। राजस्थान फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विल रन फ्रॉम जयपुर टू, दैट इज़ बी दिल्ली। सो जयपुर से दिल्ली तक, ठीक है, पहली राजस्थान की ये पहली वंदे भारत ट्रेन है जिसको जो है किसने इनॉग्रेट किया, PM नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। तो ये राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो 12 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये जो रेल है, ये वंदे भारत ट्रेन है, ये जयपुर से लेके दिल्ली कैंट तक जाएगी। ठीक है, सो रेगुलर ट्रेन सर्विस विल स्टार्ट फ्रॉम अजमेर एंड दिल्ली कैंट विद स्टॉप्स एट जयपुर, अलवर एंड गुड़गांव। ठीक है, तो द वंदे भारत एक्सप्रेस विल बी 60 मिनट फास्टर, मतलब कि वहाँ पे एक फास्टेस्ट ट्रेन पहले से मौजूद है, उससे भी ये एक घंटा पहले जो है वो दिल्ली पहुँच जाएगी। ठीक है, अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जानते हैं। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई थी 15 फरवरी 2019 को। अब तक बहुत सारी जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं उसको लॉन्च किया गया है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इंडिया की जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दैट इज़ ICF चेन्नई ने इसको बनाया है। ठीक है, और दीज ट्रेन्स हैव ए सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका एक सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन होता है जो कि डीजल और
इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है वो 30% कम कर देता है। ठीक है, अभी यूनियन बजट 2022-23 में गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इस तरह की वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स बनाने का लक्ष्य रखा है अगले 3 सालों के लिए। तो राजस्थान की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो अजमेर से दिल्ली कैंट तक चलेगी। ठीक है, अभी तक रेगुलर ये अजमेर से दिल्ली तक चलेगी, बट अभी क्या हुआ, अभी ये चलेगी जयपुर से लेके दिल्ली तक। ठीक है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिकॉर्ड्स फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर्स, दैट इज़ बी सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो जो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिकॉर्ड किया है फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर्स। अभी आपको पता है कि टाइगर्स की गिनती हो रही थी, उसमें जो सुहेलवा यूपी की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन्होंने रिकॉर्ड रखा है अपने जो टाइगर्स हैं, किसमें, फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर्स। ठीक है, तो जितने भी टाइगर्स हैं उनका फोटोग्राफिक एविडेंस रखा है सभी का, जितने भी वहाँ पे टाइगर्स हैं। ठीक है, अब सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। ये शारावती, बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, उत्तर प्रदेश में, और ये डिक्लेयर हुई थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988, और इसका एरिया है 452 स्क्वायर किलोमीटर, और ये इंडिया और नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पे स्थित है, और इसका नाम जो है किंग सोहेल देव के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द भाबर तेराई इको सिस्टम रीजन। अब ये भाबर तेराई क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा राइड्स में। ठीक है, अब वेजिटेशन, यहाँ पे वेजिटेशन होती है साल, असाना, खैर, टीक। ठीक है, ये यहाँ के मेन ट्रीज होते हैं, और इस एरिया में क्या होते हैं, बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स भी होते हैं, मेडिसिन प्लांट्स भी होते हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है, सफ़ेद मसूली, काली मसूली, पाइपर वाला, लोंगम और अदतोता वसीका भी इसमें पाए जाते हैं, और फोना यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे लेपर्ड, बियर, वोल्फ, हाइना, जकाल, वाइल्ड बियर, सांबर, तो और स्पॉटेड डियर, ये सब जो है यहाँ पे पाए जाते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसका नाम है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब भाबर और तेराई रीजन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो भाबर, तेराई और भांगर एंड खादर, ये चार टाइप के रीजन्स होते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है हिमालय के बारे में, सबको पता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो हिमालय होता है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो छोटे छोटे हिमालय आते हैं उसको बोलते हैं मिड हिमालय। ठीक है, और फिर बिल्कुल ही छोटे छोटे आते हैं उनको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, अब जो जितनी भी नदियाँ हैं वो पहाड़ों से आती है। ठीक है, सपोज़ करो नदी यहाँ से आ रही है और वो शिवालिक्स में पहुँच गई है, अब शिवालिक से वो नीचे आएगी, शिवालिक से नीचे सारा का सारा क्या है, प्लेन है, प्लेन एरिया है ना। ठीक है, तो यहाँ से आएगी, जैसे वो यहाँ पे एंटर होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनको प्लेन मिल जाता है, तो इसकी वजह से जितने भी ये बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेके आती है ना ऊपर से, ये सारे के सारे यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं सारे के सारे पत्थर को, और जो खुद नदी है वो इन पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती है, तो इस रीजन को बोलते हैं हम भाबर। ठीक है, सिंस यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, इसकी वजह से यहाँ पे नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन के लिए उतना अच्छा नहीं होता। और ये भाबर प्लेन कहाँ कहाँ पे है, शिवालिक फ्रॉम जम्मू से लेके आसाम तक। ठीक है, जम्मू से लेके जो आसाम तक का एरिया है वहाँ तक ये फैले हुए हैं भाबर प्लेन्स। ठीक है, द एरिया इज पॉपुलर विद बिग ट्रीज विद लार्ज रूट्स। ठीक है, अब मैंने यही यहाँ पे बताया है आपको, इस वाली फ़ोटो में देखिए, ये हिमालय है, ये शिवालिक है, शिवालिक के नीचे आपका देखो ये एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं। ठीक है, इसके नीचे में से क्या चली जाएगी, नदी चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं हम भाबर। अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो नदी निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे नदी जो है बाहर निकलती है और अपने साथ जो छोटे छोटे कण होती है उनको डिपॉजिट कर देती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दलदल होता है, काफ़ी ज़्यादा दलदल होता है तेराई रीजन में। ठीक है, क्योंकि एकदम से यहाँ पे सारा का सारा पानी निकल आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दलदल होता है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा दलदल भी नहीं होता, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है ना तेराई रीजन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, कल्टीवेशन होती है। ठीक है, रिसेंटली जो तेराई रीजन में आते हैं वो आते हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमस भी ज़्यादा होती है और ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ की मिट्टी में, जिसकी वजह से ये कल्टीवेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तेराई रीजन,
ठीक है, मतलब कि भाबर के नीचे आता है तराई रीजन। तो तराई रीजन के बारे में पता चल गया। तो जो तराई रीजन है यहाँ पे कल्टीवेशन होती है वीट, राइस, मेज और शुगर केन वगैरह की कल्टीवेशन यहाँ पे की जाती है। अब आगे आगे ये नदी जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो ये नदी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, ये है नदी, ठीक है, ये नदी है, ठीक है। अब नदी नदी आपसे ऊपर से आ रही है और ये ऐसे करके रखो इसको, नदी को, ठीक है। अब ये नदी है, अपने साथ डिपॉजिट, इसके साथ इसके पास और भी छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं, इसके पास बहुत छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं। तो ये डिपॉजिट्स क्या करते जाएंगे, जो ये नदी है अपने आस पास जो है वो डिपॉजिट इकट्ठा करते जाएंगे, ठीक है। तो इस इन डिपॉजिट्स को बोलते हैं हम खादर, ठीक है। अब सपोज करो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इस नदी को बहते बहते, अब जो ये डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे नए डिपॉजिट्स आएंगे। तो ये जो पुराने डिपॉजिट्स हैं ना, ये आगे आगे शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँच के और जो इनकी जगह पे आएंगे वो नए डिपॉजिट्स आएंगे। जो नए डिपॉजिट्स आते हैं उनको बोलते हैं हम खादर, जो पुराने डिपॉजिट्स रह जाते हैं उनको बोलते हैं हम भांगर, ठीक है। और ये जो खादर और भांगर वाला एरिया होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नई मिट्टी होती है और ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो भांगर प्लेन मैंने यहाँ पे बताया है, अल्यूबियल सॉइल होती है, जहाँ पे भी अल्यूबियल सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है आपके कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और फ्लड से भी दूर होता है भांगर वाला रीजन, ठीक है। ये रिच होता है ह्यूमस में और ये बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड एंड रिच अमाउंट ऑफ मिनरल्स इसमें होते हैं और ह्यूमस होती है सॉइल में, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है जिसको हम कानकार्स भी बोलते हैं, ठीक है। और खादर प्लेन क्या है, खादर आपको पता ही है, जो नदी के बिल्कुल पास है, ठीक है। ये इसको हम सिल्ट भी बोलते हैं, मड भी बोलते हैं, क्ले भी बोलते हैं, सैंड रेत भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे शुगर केन, राइस, व्हीट, मेज और ऑयल सीड्स की खेती की जाती है, ठीक है। जो नदी के बिल्कुल पास है उसको बोलते हैं हम खादर, जो नदी से थोड़ा दूर प्लेन्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम भांगर। तो ये सारा का सारा आपने याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के परस्पेक्टिव से। वी स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस वीडी सावरकर्स बर्थ एनिवर्सरी एज स्वतंत्रता वीर गौरव दिन, ठीक है। ये किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वीडी सावरकर का जो जन्मदिन है उसको मन बोला है कि हम इसको मनाएंगे स्वतंत्रता वीर गौरव दिन, ठीक है। कब होता है वीडी सावरकर का जन्मदिन, वो होता है 28 मई को, ठीक है। तो वीडी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, तो 28 मई को ये मनाएंगे, क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता वीर गौरव दिन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीडी सावरकर, ठीक है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जो ये वीडी सावरकर, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा इनका, कांग्रेस वाले लगातार इनका नाम लेते रहते हैं, क्योंकि ये एक तरह के हिंदूवादी थे, ठीक है। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ हिंदुत्व लेके आए थे टू क्रिएट हिंदू नेशनलिस्ट आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, इंडिया को हिंदू नेशनल बनाने के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा मोटिव था, ठीक है। और इनके जो ये जो दिन है स्वतंत्रता वीर गौरव दिन, ये इसीलिए मनाया जाएगा क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो थॉट्स हैं वो प्रमोट हो, वो प्रोपेगेट हो, ठीक है, लोगों के बीच में, लोगों को इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया के इंडिपेंडेंस में उसका पता चले, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है, इन्होंने क्या क्या सोशल रिफॉर्म किए और अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, ताकि लोगों को ये सारा का सारा जो चीज़ें जो है वो पता चले, ठीक है। तो वीर सावरकर वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, ये पॉलिटिशियन भी थे जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो 28 मई 1883 में बांगूर विलेज नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। और इनकी बुक से आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक से ये काफ़ी आती भी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 ये इन्होंने लिखी है। अब सिक्स ग्लोरियस एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड हिंदुत्व हु इज़ हिंदू, ठीक है। तो ये सारी की सारी बुक्स है वी डी सावरकर जी की। विच कंट्री रिकॉर्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू, तो अभी आपको पता है कि वर्ल्ड फ्लू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो H3N8 जो वर्ल्ड फ्लू है उसकी वजह से एक डेथ हुई है पहली बार, ठीक है। वो डेथ हुई है कहाँ पे,
चाइना में। तो चाइना में एक लेडी है 56 इयर्स ओल्ड, उसको बर्ड फ्लू हो गया था। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो बर्ड फ्लू होता है ना वो ह्यूमंस में होता नहीं है, ये बहुत ही रेयर चांस होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस होता है कि ह्यूमन को इन्फेक्टेड करे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें तीन और लोग अभी इन्फेक्टेड हैं और चौथी ये भी थी इन्फेक्टेड थी, बट इनकी क्या होगी, डेथ हो गई है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट किया है कि गोंगडोंग जो साउदर्न प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे बर्ड फ्लू से एक डेथ हुई है। ठीक है, शी इज़ ए 56 ईयर्स ओल्ड लेडी। ठीक है, जो और किससे मरी है, ये H3N8 सब टाइप जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उससे इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो H3N8 क्या है, ये एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जिसको हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। मेनली ये जो बर्ड फ्लू होता है ना, ये चिकन में होता है, जो बर्ड्स होते हैं उसमें ज़्यादा होता है जब हम उनको खा लेते हैं। वैसे ह्यूमन स्पेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बहुत ही रेयर चांस होता है कि ह्यूमन को भी क्या कर देता है, इफ़ेक्ट कर देता है। इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा फीवर, कफ, सोर थ्रॉट, मसल एक, ठीक है, फैटिग्यू मतलब कि थकान वगैरह सब कुछ इसको फील होता है। तो इससे पहली बार कोई डेथ हुई है वर्ल्ड में, कहाँ पे, चाइना में। ठीक है, देर इज़ नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब कि ये ह्यूमन से ह्यूमन तक ट्रांसमिशन नहीं करता है। अगर आप सपोज कर लो किसी ह्यूमंस में आ गया, अब उसमें क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होती रहती है, वो वायरस चेंज होता रहता है, जैसे हमारा कोरोना जो है चेंज होता रहता है, फिर नया नया वेरियंट आता रहता है। ठीक है, इस तरह से अगर होता रहे बार बार, तो ये हो सकता है कि ये ट्रांसमिटेबल भी हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अभी तक जहाँ तक रिसर्च हुई है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस टू कम अप इन, दैट इज़ दी बेंगलुरु। सो बेंगलुरु में हमारे पास इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो बन रहा है। अब 3D प्रिंटिंग क्या होती है, इस तरह की प्रिंटिंग होती है, ये है 3D प्रिंटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक कंटेनर होता है। ठीक है, सपोज़ करो हमने जिस मटेरियल से ये दीवार बनानी है वो मटेरियल हमने इस कंटेनर में डाल दिया है। अब हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है ये, ठीक है, और ये प्रिंटर है, ठीक है, ये वाला प्रिंटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर में हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, जिसको बोलते हैं हम CAD मॉडल, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। ठीक है, डिजिटल 3D मॉडल। इसमें हम एक कमांड लिखेंगे कि किस किस तरह का हमें कौन कौन सी लेयर कितनी कितनी मटेरियल की चाहिए। तो यहाँ पे सारी की सारी मिक्सिंग होगी। ठीक है, कंप्यूटर निर्देश देगा कि ये मिक्सिंग करनी है आप लोगों ने, तो कंटेनर में ये सारी मिक्सिंग होगी और एक कंटेनर से ये मटेरियल जाएगा इस प्रिंटर में। ठीक है, और ये प्रिंटर क्या बनाएगा, इस तरह की चीज़ बनाएगा, जैसे जैसा कंप्यूटर बोलता जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से ये डिज़ाइन करता जाएगा। तो इस तरह का मटेरियल जो है ये बनाते हैं। ठीक है, पहले ये एक लेयर वाइज बनाते हैं, पहले एक लेयर बनाएंगे, सपोज ये पिलर बनाना हो इसने, पहले ये एक लेयर बनाएगा, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर जब मोटा जैसा हो जाएगा फिर इसमें गोलाई भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये प्रिंटर के थ्रू ये बनाया गया है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इसका ये है कि इसमें 30-40% कम खर्चा आता है। ठीक है, अगर इसी तरह की बिल्डिंग बनानी हो तो 30-40% खर्चा ज़्यादा होना था, बट अब क्या हुआ, 1100 स्क्वायर फीट में पोस्ट ऑफिस की कॉस्ट जो है वो 23 लाख रुपए, मात्र 23 लाख रुपए में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बनेगी 3 मंजिला। ठीक है, वैसे इसमें कितना करोड़ लगता है आपको पता ही है। ठीक है, तो ये 3 स्टोरी पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से 3D प्रिंटेड ऑफिस जो है बनाए जाते हैं, तो इस तरह से ये ऑफिस बनाए जाते हैं। द यूज़ ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को भी कम करेगा ये। ठीक है, एक्सपायर्ड ऑफ द बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, और बहुत ही जल्दी कॉस्ट भी कम होगी और बहुत ही जल्दी हम जो है ये बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, मात्र 30 दिनों में ये 3 मंजिला बिल्डिंग जो है वो तैयार की जाएगी। तो ये फास्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, तो द प्रपोज्ड, ठीक है, तो ये 3 स्टोरी पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, बेंगलुरु हैज़ रिसीव्ड द क्लीयरेंस फ्रॉम, किस किस से क्लीयरेंस मिली है, बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू, एंड IIT मद्रास इसकी 3D प्रिंटिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आपने नाम याद रखना है, IIT मद्रास। ठीक है, अब
पहले भी इस तरह की बिल्डिंग बनी है क्या इंडिया में? यस, ये से भी 2020 दिसंबर 2020 में भी LNT जो लॉरेंस एंड टॉर्बो है उन्होंने ये इस तरह की बिल्डिंग बनाई है। 700 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग जो इन्होंने बनाई है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये न्यूज़ आपने याद रखना है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस टू बी कम अप इन दैट इज़ इन बेंगलुरु। Who has been appointed as the new Chief Justice of Tripura High Court? That is A. Apresh Kumar Singh. तो अपरेश कुमार सिंह जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। अब कुछ और चीफ जस्टिस हैं पूरे के पूरे इंडिया के जो अभी आपको पता है टोटल हाई कोर्ट 25 है, पूरे इंडिया में टोटल हाई कोर्ट है 25। उसके कुछ एक मैंने लिए हैं जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं CJ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लाइक अलाहाबाद हाई कोर्ट UP के हैं प्रीतिंकर दिवाकर जी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हैं रमेश सिन्हा, दिल्ली हाई कोर्ट के हैं सतीश चंद्र शर्मा, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है गुवाहाटी हाई कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश असम मिजोरम और नागालैंड ये चारों आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है संदीप मेहता। J&K और लद्दाख का एक हाई कोर्ट है, ठीक है। यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है N. कोटेश्वर सिंह। झारखंड हाई कोर्ट के हैं संजय कुमार मिश्रा। कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं प्रसन्ना बी वाराले। केरला हाई कोर्ट के हैं, केरला केरला में आता है केरला और लक्षद्वीप, ठीक है ये दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है S. मानी कुमार, ठीक है। मध्य प्रदेश के हैं रवि मालीमठ। मेघालय के हैं संजीव बनर्जी। और पटना हाई कोर्ट जो बिहार में है वहाँ के CJ हैं चीफ जस्टिस हैं के विनोद चंद्रन। अब पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है, ठीक है चंडीगढ़ में है ये, ठीक है। तो इसके हैं रविशंकर झा। सिक्किम हाई कोर्ट के हैं विश्वनाथ सोमदार। और तेलंगाना हाई कोर्ट के CJ हैं उज्जल भुइयन। और उड़ीसा के CJ बने हैं S. मुरलीधर। तो ये सारे के सारे CJ हैं अपनी अपनी स्टेट का, आपको CJ पता होना चाहिए, चीफ जस्टिस का पता होना चाहिए। न्यू यूरेनियम आइसोटोप्स जिसका नाम है यूरेनियम 241 किसने डिस्कवर किया है? दैट इज़ जापान। तो जापान ने यूरेनियम का एक नया आइसोटोप जो है वो जनरेट, यूरेनियम 241, ठीक है। यूरेनियम में लिखा होता है 92, 241, ठीक है। 92 का मतलब होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो है 92। बट जो ये 241 है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका जो मास है वो है 241, ठीक है। एटॉमिक नंबर है 92 और इसका मास नंबर है 241, ठीक है। और ये यूरेनियम का ही एक आइसोटोप है, ठीक है। जिस तरह से U-234 है, U-235 है, U-238 है, इसी तरह से U-241 डिस्कवर किया है जापान ने, ठीक है। तो टू डिस्कवर U-241 रिसर्चर एक्सेलेटेड, इन्होंने एक्सेलेट किया है U-230 के न्यूक्लियस को इनटू Plutonium-198 के साथ, ठीक है। यूजिंग KEK आइसोटोप सेपरेशन सिस्टम, दैट इज KISS सिस्टम के थ्रू इन्होंने ये किया है, जिसकी वजह से बना है U-241। इसमें आपने ज़्यादा आपने डीप में जाना नहीं है, क्योंकि अपने एग्ज़ाम के लिए आपने ये याद रखना है कि U-241 जो है वो जापान ने खोजा है, ठीक है। और ये इन्होंने अपनी जो रिसर्च है ये पब्लिश की है जर्नल ऑफ फिजिक्स रिव्यू लेटर्स में, ठीक है। और इनका नाम दिया है यूरेनियम 241 का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।